हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टेक एंड न्यूज़। आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ विद अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं स्नैपसीड एप्लीकेशन की मदद से। आप मेरी पूरी वीडियो देखिए और आप जान जाएंगे कि कैसे आप स्नैपसीड से बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं और एक इफ़ेक्टिव फ़ोटो बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरह का फ़ोटो एडिट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या ज़रूरत पड़ेगी, आपको ज़रूरत पड़ेगी एक बैकग्राउंड की कुछ इस तरह का, और आपको एक पिक की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ PNG इमेजेस जैसे कि मैंने आपको दिखाई हैं, ऐसी इमेजेस की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है किसमें, स्नैपसीड में अपना बैकग्राउंड ले लेना है। फिर उसके बाद डबल एक्सपोजर पे जाकर आपको क्या करना है, इमेज को उठा लेना है और वहाँ पे फिट कर देना है जैसे मैंने किया है, आप भी वैसे ही करिए। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको रब वाले ऑप्शन में जाके साइड से उसको रब कर देना है जैसे मैं कर रहा हूँ, आप ऐसे ही स्टेप्स फॉलो करिए। आपको जो फ़ोटो की साइड से रबिंग करनी है वो काफ़ी अच्छे से करनी है, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उसी तरह से आपको सारी स्टेप्स फॉलो करनी है। जैसे मैं रब कर रहा हूँ उसी तरह से आपको भी रब करना है। ये मैं रबिंग कर रहा हूँ, आप भी इस तरह से कुछ रब कर लीजिए फ़ोटो के आसपास से, मतलब कि केवल आपका फ़ोटो ही रहना चाहिए। डबल एक्सपोजर में आके आपको फ़ोटो लेना होता है, वहाँ ले लीजिए और उसकी ओपेसिटी कम करके आप फ़ोटो को रब कर दीजिए जैसे मैंने किया है। आपको जो फ़ोटो का बैकग्राउंड लेना है वो कुछ इसी तरह का लेना है जैसे आपको रियल लगे आपका इमेज, फिर आपको रब करना है जैसे कि मैं कर रहा हूँ, ऐसे आपको रबिंग कर लेनी है। साइड से फ़ोटो रब करने के बाद में आपको क्या करना है, उसकी ओबेसिटी को पूरा बढ़ा देना है, जिस तरह से मैंने ओबेसिटी बढ़ाई है आपको भी बढ़ा देनी है जिससे आपका फ़ोटो पूरी तरह से दिखने लगे। और आपको अगर कुछ कमी लगती है तो आप एडजस्ट कर दीजिए, जिस तरह से मैं करके दिखा रहा हूँ आपको उसी तरह से आप भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं कर रहा हूँ उसी तरह से आपको फ़ोटो को सही करना है अपना फ़ोटो अच्छा दिखने के लिए, ऐसे आप भी कर लीजिए। फिर आपको क्या करना है, उसको टूल्स में जाना है, टूल्स में जाने के बाद में थोड़ा सा ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट ये सारे ऑप्शन है वो बढ़ा के देख लेने, घटा के देख लेने जैसे मैं कर रहा हूँ, आप वही चीज़ करिए, आपका फ़ोटो ज़रूर अच्छा दिखने लगेगा जैसे कि मैंने किया हुआ है। जैसे कि मैं अपने फ़ोटो को अट्रैक्टिव बना रहा हूँ अकॉर्डिंग टू बैकग्राउंड, ऐसे ही आपको करना है, सारी चीज़ें बढ़ा घटा के देखना है। ज़्यादातर जो खेल है वो है सैचुरेशन का, आप सैचुरेशन को बढ़ाकर चेहरे पर से सैचुरेशन कम कर दीजिए, आपका फ़ोटो ज़रूर अट्रैक्टिव दिखेगा। यही सारी स्टेप्स मैं कर रहा हूँ, देखिए शैडो बढ़ा घटा के देख रहा हूँ, वो सारे जो ऑप्शन है ट्यून इमेजेस में वो कर रहा हूँ मैं, देखिए मैं सारे ऑप्शन चेक कर रहा हूँ, इसी तरह से आपको करना है। फिर आपको क्या करना है, टूल्स में जाकर चेहरे पर से जो सैचुरेशन है उसे कम कर देना है और जो चेहरे की ब्राइटनेस है उसे बढ़ा देना है, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ उसी तरह से आपको भी करना है। ऐसे ही आप चेहरे को अट्रैक्टिव दिखने के लिए चेहरे से जो कॉन्ट्रास्ट है उसे कम कर दीजिए और जो ब्राइटनेस है उसे बढ़ा दीजिए। कहने का मतलब है यहाँ पर हम चेहरे को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा करके। फिर आपको क्या करना है, दोबारा टूल्स में जाना है, टूल्स में जाने के बाद में आपको फ़ोटो को डिटेल देनी है, मतलब कि कुछ HDR लुक देना है, तो फिर थोड़ी सी डिटेल बढ़ा दीजिए। फिर उसके बाद आपको दोबारा से टूल्स में जाना है, दोबारा से जो टोन है उस टोन को बढ़ा लीजिए, सारी स्टेप्स वही फॉलो करिए जो कि मैं कर रहा हूँ। फिर आपको क्या करना है, टूल्स में जाके विंटेज है, विंटेज में आउटर विंटेज कम कर देनी है और जो इनर विंटेज है उसे थोड़ा सा बढ़ा लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ, वैसे ही आपको करना है। इनर विंटेज बढ़ा ली, उसको फिर क्या करना है, अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद में क्या करना है, टूल्स में दोबारा जाना है, जाने के बाद में फिर आपको क्या करना है, जो टेम्परेचर वाला ऑप्शन है वहाँ जाकर टेम्परेचर को बढ़ा घटा के देख लेना है अपने अकॉर्डिंग फ़ोटो के। फिर आपको क्या करना है, आगे दोबारा जाना है टूल्स में, टूल्स में जाने के बाद में फिर आपको जाना है किस में, जो हमारा ग्रीन वाला ऑप्शन है वहाँ पर, और ग्रीन को कम कर देना है, जितना ग्रीन को जीरो कर दिया और जो स्टाइल स्ट्रेंथ है उसको भी कम कर देना है जैसे मैंने किया, ऐसे ही आप कर दीजिए। फिर बाद में क्या करना है, आपको ये सब होने के बाद में जो एरो वाले निशान है वहाँ पे जाना है और जो चेहरे पर से ग्रीन है उसको रब करना है, जैसे कि मैं रब कर रहा हूँ ऐसे ही आपको रब करना है। अब यहाँ पे हम कर देते हैं चेहरे पर से जो ग्रीन है उसको कम, मतलब उसका इफ़ेक्ट यहाँ पे ख़त्म करना है। आपका जो नॉर्मल चेहरा है आप उसी तरह से रहने दीजिए उसे रब करके,
जैसे मैं रब कर रहा हूँ ऐसे भी आप रब कर लीजिए, इससे आपका चेहरा पहले की तरह अट्रैक्टिव दिखने लगेगा, जो भी इफेक्ट है वो हट जाएगा। ऐसे ही आपको रब करना है जैसे कि मैंने किया हुआ है, और जो भी हाथ पर से भी रब करना है, जहाँ पर भी हमारा बॉडी पार्ट है वहाँ से उसको हटा देना है, मतलब कि रब कर देना है। फिर आपको क्या करना है, रब करने के बाद में टेम्परेचर जो है उसको बढ़ाना है। अब देखिए मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा टेम्परेचर को बढ़ा के देखूँगा। देखिए मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया। फिर आपको क्या करना है, आपको टूल्स में जाना है। अब एक बार आप टूल्स में जाएंगे, टूल्स में जाने के बाद में क्या करना है, आपको नेम लिखना है अपनी इमेज पर। नेम लिखने के बाद में आपको क्या करना है, अपनी जो इमेज है उसको सेव कर देना है, और अपना जो भी कलर रखना है आप रख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम लिखा, जो भी कलर फॉन्ट स्टाइल आप रखना चाहते हो वो रख दीजिए, और फिर उसे क्या करना है आपको डन कर देना है, मतलब कि अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद में क्या करना है, अपनी फ़ोटो को एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, आपको जाना है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में आप जाएंगे तो आपको जो हमने फ़ोटो को एक्सपोर्ट किया था यहाँ पे फिर उसे इंपोर्ट करना है। अब हम ले लेते हैं अपना जो भी फ़ोटो हमने एक्सपोर्ट किया उसे पिक्सआर्ट में। इस तरह से आपको अगली स्टेप फॉलो करनी है। मैंने ले लिया फ़ोटो कहाँ पे, पिक्सआर्ट में। अब क्या करना है, आपको एड फोटो में जाना है, और जो भी पीएनजी इमेजेस हैं उनको उठाना है, फिर उनको क्या करना है अपने फ़ोटो पर एडजस्ट करना है, मतलब अपनी फ़ोटो के हिसाब से एडजस्ट कर देना है। जिस तरह से मैं एडजस्ट कर रहा हूँ अपने फ़ोटो के हिसाब से, आप भी अपने फ़ोटो के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकती हैं। फिर आपको क्या करना है, दोबारा जाना है किसमें, एड इमेजेस में, और जो चिड़िया वाली पीएनजी है उनको लेना है और उनको भी फ़ोटो पर एडजस्ट कर देना है, जिस तरह से मैं एडजस्ट कर रहा हूँ आप भी एडजस्ट कर दीजिए। और फिर बाद में आपको क्या करना है, इसको लगा के देख लेना है कहाँ पे अपना जो चिड़िया है वो अच्छा लगेंगी, मतलब रियल लुक देंगी। फिर आपको क्या करना है, जो एक्स्ट्रा चिड़िया हैं उनको रब कर देना है। सारी चिड़िया रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चिड़िया रखने की ज़रूरत है जो कि आपके फ़ोटो को अट्रैक्टिव बनाने में हेल्प करें। ऐसे ही फिर आपको उनको अपने हिसाब से लगा देना है अपनी इमेज पर। फिर आपको क्या करना है, अप्लाई कर देना है, और अप्लाई करने के बाद में जो ऑप्शन है शेडो वगैरह वो आपको चेक कर लेना है अपने फ़ोटो के अनुसार। आप सारी स्टेप वही फॉलो करिए जो कि मैंने करी है, आप मेरे जैसा फ़ोटो एडिट कर पाएंगे काफ़ी ईजिली और काफ़ी जल्दी। फिर आपको क्या करना है, दोबारा ऐड फ़ोटो में जाना है। ऐड फ़ोटो में जाने के बाद अपनी जो तीसरी पीएनजी है उसे भी वहाँ से ले लेना है, जो कि अब मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। अब मेरे को क्या करना था, ऐड फ़ोटो में जाके जो हमारी पीएनजी है उसे लेना था। पीएनजी को लेने के बाद आपको क्या करना है, उस पीएनजी को एडजस्ट करना है अपनी फ़ोटो पे, छोटा बड़ा करके देख लेना है कि कहाँ पे आपकी पीएनजी अट्रैक्टिव दिखेगी, उस हिसाब से आपको उसे भी एडजस्ट कर देना है, मतलब कि अपने फ़ोटो पर अप्लाई कर देना है। बैकग्राउंड तो ऑलरेडी फोटो चला हुआ है। फिर आपको बाद में क्या करना है, टूल्स में जाना है दोबारा। टूल्स में जाने के बाद में आपको एडजस्ट में जाना है। एडजस्ट में जाने के बाद में आपको क्या करना है, जो ह्यू वाला ऑप्शन है उसे आगे पीछे करना है, और अपना चेक करना है कि कौन सी चीज़ आपके फ़ोटो को ज़्यादा अच्छा लुक दे रही है। जैसे मैंने किया तो ये मेरे पे अट्रैक्टिव लग रहा है, मैं इतने पर इसे छोड़ दूँगा। छोड़ने के बाद आपको क्या करना है, इसे अप्लाई करना है, और चेहरे पर से क्या करना है, रब, हैंड पर से भी रब करना है, मतलब कि जो बॉडी पार्ट है वहाँ से जो कलर था, मतलब कि ह्यू वाला कलर था उसे रब कर देना है। ये सब हो जाने के बाद में आपको क्या करना है, अपनी इमेज को लास्ट में सेव कर लेना है। इस तरह से आप अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, किस एप्लीकेशन में, स्नैपसीड में। आप जान गए होंगे कि कैसे आप बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाले मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें।